हमीरपुर जिला कांग्रेस के महासचिव जगदीप ठाकुर के द्वारा विकास के नाम पर भाजपा के विधायक पर पिछले कल की पत्रकार वार्ता के बाद हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो ब्यौरा उनसे मांगा जा रहा है वे उसका जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दे पर खुले मंच में उनसे कहीं भी जवाब ले सकती है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में हुए हर विकास कार्य भाजपा की देन है। हमीरपुर जिला में अब तक जितने भी शैक्षणिक और संस्थान खुले हैं वे सब भाजपा सरकारों की ही देन है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनसे चार कामों का ब्यौरा मांग रहे हैं वो जिला हमीरपुर के विकास में अपने पिछले 40 से 50 सालों का ब्यौरा दें। हमीरपुर जिला के विकास में स्वर्गीय पूर्व मंत्री जगदेव चंद, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपने वर्तमान कार्यकाल में इस गति को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि जिला में NIT हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉर्टिकल्चर कॉलेज हो, ये सभी संस्थान भाजपा सरकारों की ही देन रही है। वहीं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबलू में उप तहसील भी उनके द्वारा खोली गई है। इसके साथ ही हमीरपुर जिला में कई विकास कार्यों को अंजाम दिया जा चुका है, जबकि जिला मुख्यालय हमीरपुर में फुटपाथ का निर्माण कार्य और पार्किंग जो काफी लंबे समय से लंबित थी उसे भी पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। सरकार का महत्वपूर्ण काम रहा है और कोरोना के चलते दो वर्ष लोगों को काफी तंगी हुई, बावजूद इसके भी सरकार ने बजट में कोई कमी नहीं आने दी और सभी विकास कार्यों को समय पर अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जितना बजट वर्तमान सरकार ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए दिया है पिछली कांग्रेस सरकार ने शायद ही इतना बजट यहां पर खर्च किया हो। विधायक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं वे अपनी क्षमता और अपने पदभार के बारे में जरा चिंतन जरूर कर लें। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कल कांग्रेस वालों ने किसी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जो मेरे नॉलेज में आया है वो तो वैसे बेसिकली वो हमें पर कॉन्फ्रेंसी का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको ज्यादा ही उत्तेजन है काम को सुनने की तो चार काम तो मैं वैसे ओपनली कह देता हूँ, लेकिन मैं उनसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे से काम के बारे में पूछ रहे हैं वो अपने 40 साल का या 50 साल का लिखा जोखा जो है वो हमें पर जिले को हमें पर कॉन्स्टिट्यूंसी को दें। आज जो भी नजर आ रहा है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, आज अगर आप सभी देखें तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं BJP के नेता का हाथ है, चाहे वो स्वर्गीय ठाकुर जगदीप चंद जी का, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल जी का, चाहे वो मेरा नाम ले लीजिए उसमें मेरा, कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की देन है। मैं मोटे तौर पर पहले वाली हिस्ट्री आपको सुना देता हूँ, चाहे वो NIT है, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे और भी जो भी आपको हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, यहाँ पे टाउन हॉल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग है, सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा ही दी गई है। जहां तक मैं उनको ये कह देना चाहूंगा कि मैं चार काम तो किया, ये जो आपके बम्सर जो आपके एडजॉइनिंग जो बम्सर वाला एरिया है 30 करोड़ की स्कीम का काम जो लगभग पूरा हो चुका है, 36 करोड़ की YPS की स्कीम जो बन गई, एक सब तहसील वाली बड़ी बहुत पुरानी डिमांड थी उनकी वो भी लंबलू में खुल गई है, 333 KV के लगभग 8-8 करोड़ रुपए का एक जो सब स्टेशन है उन तीनों का काम जोरों पे चला हुआ है। अभी हाल ही में आप ये देखेंगे जो पार्किंग का काम हो दूरा था वो हमने पूरा किया, फिर जितने भी फुट स्टेप थे फुटपाथ से हमीरपुर के वो हमने पूरा किए, अभी एक सुकरखंड में पुल बन रहा है लगभग 4 करोड़ का उसका टेंडर हो चुका है वो हमने किया, लंबलू का अपग्रेडेशन का काम चला हुआ है हमीरपुर से लंबलू रोड का वो हमने किया, नाल्टी के और रोड के 22.5 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन हो चुका है, आने वाले एक दो महीने के बाद वहां भी उसका अपग्रेडेशन का काम चलेगा। मैं तो ये अपने और डिस्पाइट दैट कि इन 4.5 साल में 2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए हैं और मैक्सिमम स्टेट का बजट हमारी हिमाचल प्रदेश के नहीं पर पूरे देश का जो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब विकास के मामले में बजट के मामले में मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कंपैरिजन कर लीजिए, जितना बजट इन 4 सालों में मेरी कंस्टिट्यूंसी में आया लगभग इस पीरियड में पहले कौन सी सरकारों में कभी
इतना बजट नहीं आया, आया तो वो स्टेट भी हमारे से बात कर रहे हैं, अगर वो मैन टू मैन डिस्कशन करना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म पे, तो इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं ये उनको ये बताना नहीं चाहता था कि जो मेरे बारे में ये बातें कर रहे हैं, पहले वो अपना स्टैंड बता दें, अपनी पोस्ट बता दें, वो किस कैपेसिटी में जो वो हमारे से क्वेश्चन पूछे, उनका क्या रोल रहा है और वो कहाँ तक हम जिले का विकास चाहते हैं, वो बात कर लेंगे उसे। धन्यवाद। तो हिमाचल में घूम रहा हूँ और शायद आपने भी देखा है, 3.5 साल पहले सड़कें थ्रूआउट हिमाचल की ले लो, चाहे आप अपनी कंस्टिट्यूंसी की भोरिज की ले लो, हमीरपुर में तो आप जहां मर्जी घूमो, और मैं दावे से कहता हूँ किसी भी मेन रोड पे आपको कोई खड्डा नजर आएगा तो उसी वक्त मुझे टेलीफोन कर देना, इस रोड पे खड्डा नजर आ रहा है। एक भी रोड जो है, जो मेन रोड है, बल्कि लिंक रोडों पे भी नहीं है, लेकिन बरसात के दिन में कई हो सकता है पानी की वजह से एक दो जगह पड़ा हो, अदरवाइज किसी भी रोड के ऊपर आपको खड्डा नजर नहीं आएगा। आज हमीरपुर टाउन की बात आप ले लीजिए, आप 3.5 साल पहले की बात है, जो सड़क से आप चलते थे तो वहां पानी की बदबू शुरू हो जाती थी, और पक्का प्रोतक जो था बीच में बाजार से, चाहे हथली का पुल हो, चाहे नदौन चौक हो, चाहे भोटा चौक हो, क्या सड़कों की दुर्दशा होती थी। आज पूरे एमसी एरिया में आपको एक भी खड्डा, चाहे जितनी भी सड़कें नजर नहीं, सारी सड़कों को अपग्रेड करके, बहुत बड़ी तैयारी करके, आज हमीरपुर एक साफ सुथरा शहर नजर आ रहा है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी की देन और इसी सरकार की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है रहा है। थैंक यू।